क्वेश्चन है, एक स्क्वायर शीट है और एक डिस्क है, दोनों पड़ी हुई हैं, दोनों की लेंथ, इसकी लेंथ एल है, ये एल है, ये एल है, और इसका डायमीटर एल है, मास दोनों का नहीं गिवन, जबकि मुझे चाहिए एम वन एम टू, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडीज हैं, मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, स्क्वायर के सेंटर पे, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, डिस्क के सेंटर पे, लेकिन मुझे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी कि दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास, तो पहले दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लें, तो इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, और मास नहीं गिवन इस दोनों शीट का भी नहीं और डिस्क का भी नहीं, इसकी जगह क्या गिवन है, सिग्मा, सिग्मा दोनों के लिए सेम है, सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया, मास पर यूनिट एरिया, तो एक काम करते हैं, इस स्क्वायर का एरिया कितना है बोलो, एल स्क्वायर, एल बाय एल है तो एल स्क्वायर, तो अगर मैं सिग्मा को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास शीट का क्या जाएगा, मास, तो शीट का मास आ जाएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, मास, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ऐसे इसका एरिया कितना है, इसका रेडियस कितना है, एल बाई टू, तो इसका एरिया कितना है, पाई इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया को जिस भी एरिया से मल्टीप्लाई करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसका क्या जाएगा, मास, तो क्या ये स्टेप क्लियर है, तो मास कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, तो इसका मास क्या होगा, सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, इसका मास क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, मास आ गया, एम वन एम टू आ गया, गिवन नहीं था मुझे निकालना पड़ा, इसका मास कहां पर होगा, इसके सेंटर पे, इसका मास इसके सेंटर पे, अब मुझे क्या चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, अब कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ओरिजिन चाहिए, ओरिजिन में क्या लोगे, एक काम करो, एक ये सेंटर है और एक ये सेंटर है, एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, 0,0, ओरिजिन कुछ भी मान लो, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड वाला लिया करो ताकि बाकी डिस्टेंसेस पॉजिटिव आ जाएं, तो अगर ये 0,0 और यहां पर मास मैं निकाल चुका हूं, यहां पे इसका मास मैं निकाल चुका हूं, इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा, ये टोटल लेंथ क्या है, एल, तो आधी क्या है, एल बाई टू, टोटल डायमीटर कितना है, एल, तो आधा कितना है, एल बाई टू, तो एल बाई टू प्लस एल बाई टू क्या हो गया, एल, तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एल कॉमा जीरो, क्या स्टेप क्लियर है, ये मैथमेटिक्स क्लियर है यहां पर, ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, तो कुल मिला के एल, अब मेरे पास क्या आ गया, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एम वन एम टू, तो अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स सेंटर ऑफ मास इज एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, एम वन प्लस एम टू, एम वन स्क्वायर का मास, एक्स कोऑर्डिनेट इसका जीरो, एम टू डिस्क का मास, एक्स कोऑर्डिनेट लेंथ, और एम वन एम टू, सिंप्लीफाई करने का काम आपका, इन्हें ये तो जीरो हो गया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, बात खत्म, मतलब वो तो मैथ्स है, वो तो जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना अच्छा है, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एम वन एम टू लिया इस क्वेश्चन में, कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इस टाइप के प्रॉब्लम में जिसमें सिग्मा गिवन होगा, ठीक, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे गिवन होते हैं, आपको दो पार्टिकल्स गिवन है और दोनों का मास एग्जैक्टली सेम है, तो एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है आपको पहले पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर गिवन है टू आई कैप, मतलब पहला पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वेक्टर टू आई कैप, दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वेक्टर टू जे कैप, गिवन है यहां तक, तो वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर गिवन है, पहला पार्टिकल एक्सलरेट कर रहा है उसका ए वन वैक्टर भी गिवन है, दूसरा पार्टिकल एक्सलरेट नहीं कर रहा उसका ए टू वैक्टर गिवन है, तो आपको क्वेश्चन आएगा इस पूरे वेलोसिटीज एंड एक्सलरेशंस दोनों पार्टिकल्स की गिवन है, आप ये बताएं कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पहला ऑप्शन,
सर्कल में मूव कर रहा है, दूसरा ऑप्शन, पैराबोला मूव कर रहा है, तीसरा ऑप्शन, या मूव ही नहीं कर रहा, चौथा ऑप्शन। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। तो मैंने लिख दिया, चार ऑप्शन लिखने की बजाय मैंने लिख दिया प्रूव करो कि किस में मूव कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन। पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चार ऑप्शन ऐसे गिवन होंगे। कब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कब सर्कल में मूव करता है, उसको कैसे देखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक ही कंडीशन है, बहुत सिंपल है, आपको बताता हूँ। पहले काम करो, आप सबसे पहले दो पार्टिकल्स की जगह इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो कहाँ पर है। तो ये V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, M1, M2 तो M है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला है। तो मास की जगह M और M, V1 वेक्टर की जगह 2i कैप, V2 वेक्टर की जगह 2j कैप, M और M, M कैंसिल, ये क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास, निकाल लिया। सिमिलरली अब आप एक्सेलरेशन वेक्टर निकालो सेंटर ऑफ मास का। तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला, m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, मास दोनों का m और m, एक्सेलरेशन a1 वेक्टर गिवन है, a2 वेक्टर जीरो है, मास m और m, mmm कैंसिल, एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो आपने सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लिया। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, आई कैप प्लस जे कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर है, आई कैप प्लस जे कैप। तो सोचो एक पार्टिकल मूव कर रहा है आई कैप प्लस जे कैप इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, तो पार्टिकल किस में मूव करेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। भैया कार जा रही है इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, तो कार क्या इधर जा रही है, नहीं, कार इधर ही जा रही है, तो किस में, इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैसे पता लगता है कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताना। मान लो वेलोसिटी वेक्टर सेंटर ऑफ मास का मैं देता हूं आपको आई कैप प्लस जे कैप, और मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप। कितने लोगों को यह देखते हुए समझ में आ रहा है पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, कैसे? ये एक्सप्लेनेशन है, ये वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे पता लगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो है। आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करो 1, जे को माइनस जे के साथ -1, तो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको देखते हुए पता लग रहा है सेंटर ऑफ मास इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। अब ऐसा एक ही केस में होता है जब पार्टिकल किस में घूमता है ना, सर्कल, क्योंकि सर्कल में एक्सेलरेशन कहाँ होती है, टुवर्ड्स सेंटर, और वेलोसिटी कहाँ होती है, टेंजेंशियल। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल क्या होता है, 90। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल बने 90 तो सर्कल, और अगर सेम डायरेक्शन हो या ऑपोजिट हो तो स्ट्रेट लाइन। ज़्यादातर दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन का आता है या सर्कल का आता है, तीसरा एलिप्स लिप्स कुछ नहीं आता, आंसर होता ही स्ट्रेट या सर्कल है। तो कैसे चेक करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट लाइन, और अगर परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। याद रहेगा यहां तक, कैसे चेक करना है इसे, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा देखना, किया हुआ है लॉज ऑफ मोशन में,
क्वेश्चन है, आपके पास एक पुली है और दो ब्लॉक्स हैं, एक पुली है और दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक 2 kg का, एक ब्लॉक 1 kg का। लॉ ऑफ मोशन में हमने किया था फोर्स में, इसकी एक्सेलरेशन निकाल दो, तो इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर। ये ब्लॉक कहाँ आएगा? नीचे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाली थी? बड़ा वेट कितना है? 2g, छोटा कितना है? 1g। तो 2g माइनस 1g अपॉन टोटल मास 2+1, एक्सेलरेशन आ गई थी g/3। किया था ऐसा? ऐसा नहीं आया तो टेंशन टूंशन लेके भी किया था, तो कैसे तैसे करके आपने a निकाल दिया। अब ये एक्सेलरेशन किसकी है? इस ब्लॉक के ऊपर जाने की, इस ब्लॉक के नीचे आने की। अब इन दोनों का कहीं हवा में सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास कहता है यार ये अच्छा काम है, जब तुम खड़े थे मैं खड़ा था, 2 kg तुम नीचे जा रहे हो, 1 kg तुम ऊपर जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? भारी मास की तरफ जाऊँ। भारी मास कौन है? 2 kg। तो मैं भी 2 kg के साथ नीचे चल पड़ता हूँ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो अगर ये दोनों एक्सेलरेशन g/3 से ऊपर नीचे जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन नीचे जाने की क्या होगी? ये क्वेश्चन है। ठीक, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लें। इसमें एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक की जगह वेक्टर पॉजिटिव, एक क्योंकि नीचे है तो ये ऊपर है -g/3। बस यही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर आंसर 10/9। बस यही स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें। कॉमन एक्सेलरेशन तो निकलेगी निकलेगी, पर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये स्टेप क्लियर है? आपको आपकी बुक्स में ऑब्जेक्टिव ये भी मिलेगा, ये सेम क्वेश्चन है। वो कहेगा दो मासेज हैं M1 M2, एक ऊपर जा रहा है विद ए, एक नीचे आ रहा है विद ए, तो बताओ सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या है? तो पहले आप लॉज ऑफ मोशन से ए निकाल लो। ए का फॉर्मूला हमने किया था M2g माइनस M1g बाय M1+M2। तो एक्सेलरेशन निकल जाएगी फोर्स के चैप्टर से। हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें, एक एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो सॉल्व करके ये टर्म आ गई, ए कॉमन आ गया। ये पूरा ए का फॉर्मूला पूरे का पूरा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ये देखो पूरे का पूरा ए यहाँ पे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन मार्क होगी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, उसी तरीके से इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट आ सकता है। सेंटर ऑफ मास जब ये ब्लॉक्स नहीं चले थे तो रेस्ट पे था, जब ये चल पड़े तो सेंटर ऑफ मास 2 kg के साथ नीचे चल पड़ा। जब ये नीचे चल रहा है तो टी टाइम में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? तो सेंटर ऑफ मास के लिए लगा लो s = ut + 1/2 at². पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, फिर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास जो निकाल ली हमने, ऊपर से नीचे पुट करके s आएगा। तो जब भी ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा कैसे करना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करो। तीन ब्लॉक्स हैं, अपने आप सॉल्व करो। तो आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, करो ट्राई अभी करो।
देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये ना तीन तीन ब्लॉक्स हैं, सिमेट्रिकल ब्लॉक्स हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, पर हमें तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा। तो रूल नंबर वन, इसका जो मास है ईच ब्लॉक का 1.5 केजी है, तो ये और ये तीन पॉइंट्स हैं, M1, M2, M3 1.5 केजी है, चलो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, चार, फोर कोऑर्डिनेट है फोर, तो ये आधा कितना है दो, ये आधे से आधा कितना है एक, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वन, सही है। अब नेक्स्ट, ऐसे ये टोटल डिस्टेंस कितना है चार, चार का आधा दो, आधे का आधा दो का आधा एक, तो इसका कोऑर्डिनेट 1.1, तो क्या ये स्टेप क्लियर है, 1.1 क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, वो सिमेट्रिकल फिगर है ना, ब्लॉक सिमेट्रिकल है, ये मेरे से बने नहीं पर वैसे सिमेट्रिकल है, प्रॉपर सिमेट्री में गिवन होंगे आपको, ठीक है, इसलिए आता है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मिड पॉइंट में ना सेंटर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो निकलेगा ही सेंटर पे। अच्छा तो इधर देख लो, ये टोटल कितना है फोर, ये कितना है टू, और ये कितना है वन, टू प्लस वन थ्री, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है तीन, और ऐसी ये कितना है टू, टू का आधा वन, तो कोऑर्डिनेट क्या है वन, 3.1, सही है यहाँ तक। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, इस पे, तो ये कोऑर्डिनेट, ये कितना है टू, टू प्लस वन थ्री, तो वाई कोऑर्डिनेट थ्री, एक्स कोऑर्डिनेट वन, क्योंकि वन है तो ये भी वन, तो बन गए कोऑर्डिनेट्स। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप क्लियर है कोऑर्डिनेट्स का, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, x1, y1, x2, y2, x3, y3, m1, m2, m3 आपको पता ही है 1.5, सॉल्व करके x सेंटर ऑफ मास, सॉल्व करके y सेंटर ऑफ मास, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? मेन तो कोऑर्डिनेट निकालने का ही काम है, और मैंने क्या कहा था, यह आज आपका आखिरी क्वेश्चन है। ओके तो ये लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके कंपटीशन के अंदर, तो नॉर्मली नीट और मेन में ये आते हैं बहुत, डिस्क में से डिस्क काट देगा, स्फेयर में से स्फेयर काट देगा, हॉलो कर देगा, और सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन पूछेगा। देखो इसको देखते हैं, ध्यान आगे प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सपोज करो आपके पास एक कोई डिस्क है, सपोज आपके पास एक डिस्क है, एक डिस्क का रेडियस आर है, डिस्क जो है उसका रेडियस आर है और मास एम है, गिवन है। किसी ने क्या किया, और हाँ जब ये डिस्क यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है, सेंटर पे। किसी ने क्या किया, इसमें से एक छोटी डिस्क ऑफ रेडियस आर बाई टू या डायमीटर आर काट दी और काट के बाहर फेंक दी, ये वाला मटेरियल बाहर फेंक दिया, तो अब जो मास है वो सिर्फ इस शेडेड पोर्शन में आपको दिखेगा, मानते हो मास सिर्फ ये बचा हुआ मास है, वो कटा हुआ मास है गया, हॉलो है और ये बचा हुआ मास है। तो पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे होता था, यहां पे होता था जब पूरी डिस्क होती थी। अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जहां ज्यादा मास होगा, ज्यादा मास यहां पे है, तो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन कहां है, सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, यह समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट तो होगा क्योंकि पहले सेंटर ऑफ मास सेंटर में था, अब क्या हो गया, आपने कुछ पोर्शन काट के फेंक दिया, अब मास यहां बचा तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं कहीं होगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। तो कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, इसको जरा ध्यान से देखना। तो इमेजिन करो ये आपके पास एक डिस्क है, ठीक, ये सपोज आपके पास कोई डिस्क है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है,
और मास डिस्क का एम है और रेडियस आर है। डिस्क के ऊपर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरिया वाइज, क्या था डिस्क के ऊपर मास बाय डिफॉल्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरिया वाइज। तो आप बस मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर मैंने इतना डिस्क का पोर्शन कट करके फेंक दिया जिसका रेडियस कितना है आर बाई टू, टोटल डायमीटर आ रहा है तो आधा आर बाई टू, तो कटी हुई डिस्क का मास क्या होगा, पूरी डिस्क का मास एम है तो इस कटी हुई डिस्क का मास क्या फेंका, सिग्मा तो है ही नहीं इसमें, हाँ सिग्मा निकाल लो ऐसे कर लो, हाँ सरफेस एरिया से कैलकुलेशन होगी कैसे ऐसे, अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है पूरी डिस्क का तो मास कितने है एम, अगर वन है तो एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और जो डिस्क का एरिया हमने निकालना है तो पाई इंटू आर बाई टू का स्क्वायर, तो मास क्या आएगा पाई बाई एम बाई पाई आर स्क्वायर, ये एम है तो यहाँ पर आएगा एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बाई फोर, सॉल्व करके क्या आएगा एम बाई फोर। याद करो चेन में भी करते थे, चेन में मास निकलता था पर यूनिट लेंथ, क्योंकि चेन में मास डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ होती है और डिस्क में पर यूनिट एरिया होती है। तो समझ में आ रहा है डिस्क का कटा हुआ पोर्शन है उसका मास कैसे निकलेगा, ठीक है यहाँ तक ठीक। तो ये इसका मास आ गया, अब मुझे ये चीज़ बताओ कि चलो मास तो आपके पास आ ही गया, आप मुझे ये बताओ कि ये मास होगा कहाँ पर। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, मैंने कोई डिस्क काटी नहीं अभी, इमेजिन करें पूरी की पूरी डिस्क है अभी, ठीक पूरी की पूरी कंप्लीट डिस्क है, कोई इसमें कटिंग नहीं की, तो पूरे पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था यहाँ पर, तो टोटल मास यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे एम। अगर मैं सिर्फ कटी हुई डिस्क की बात करूँ ये है ही नहीं, मान लो सिर्फ कटी हुई डिस्क, कटी हुई डिस्क का मास कहाँ पर होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे कितना एम बाय फोर, सिर्फ कटी हुई डिस्क का मास तो उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा एम बाय फोर राइट। अब अगर मैं इस एम बाय फोर की डिस्क को काट के फेंक दूं तो ये क्या है बची हुई डिस्क, बची हुई डिस्क का मास क्या होगा एम माइनस एम बाय फोर, और वो कहां पे होगा नए सेंटर ऑफ मास पे होगा कितना एम माइनस एम बाय फोर, कितना थ्री एम बाय फोर। तो मुझे ढूंढना है कि ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये एक्स कितना शिफ्ट हो गया, मासेस की गेम समझ में आ गई। तो मास के अंदर क्या है ये कटी हुई डिस्क का मास m बाई फोर, तो बची हुई डिस्क का मास 3m बाई फोर, टोटल मास कितना m राइट। अच्छा ये बताओ कटी हुई डिस्क का मास यहाँ पर, बची हुई डिस्क का मास नए सेंटर ऑफ मास पे, अगर मैं कटी हुई डिस्क और बची हुई डिस्क को जोड़ दूँ तो सेंटर ऑफ मास वापस कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे, मानते हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो बॉडीज हैं, एक कटी हुई एक बची हुई, कटी हुई का सेंटर ऑफ मास, बची हुई का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास बेसिकली ये रहा, मानते हो इस चीज को, ठीक है यहां तक। तो अब ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर सेम डायग्राम है और ये सेंटर ऑफ मास था ऐसा, ठीक ये मैंने डिस्क को कट कर दिया राइट। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसके अंदर ये लो ये एक्स एक्सिस मान लें और इमेजिन करो कि जो पहले ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था वो मेरा ओरिजिन था 0.0, क्योंकि रेडियस क्या है आर बाई टू, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है आर बाई टू कॉमा जीरो, और यहाँ पर मास कितना लेना है एम बाई फोर। अब जो नया सेंटर ऑफ मास है वहां पर मास कितना है थ्री एम बाई फोर, और मान लो वो कितना शिफ्ट हो गया एक्स, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, सही है यहाँ तक। तो ये ओरिजिन मान लिया तो ये कोऑर्डिनेट आर बाई टू कॉमा जीरो और ये माइनस एक्स कॉमा जीरो, ठीक है यहाँ तक। तो एक चीज़ बताओ कि इसका और इसका सेंटर ऑफ मास ये बनेगा, मानते हो ये चीज़। तो एक काम करते हैं मैं इस डायग्राम को अलग से बना लेता हूँ यहाँ पे, ये लो तो ये मेरा ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है जिसका कोऑर्डिनेट 0.0, यहाँ पर मास कितना है m बाई फोर, तो जिसका कोऑर्डिनेट कितना है r बाई टू कॉमा जीरो, और उसी तरीके से ये x है,
तो ये कितना हो गया माइनस एक्स कॉमा जीरो, जिसका मास कितना है 3m/4। आपको लगता नहीं है कि मैंने आपको m1 दे दिया, m2 दे दिया, x2 y2 दे दिया, x1 y1 दे दिया, सही है। और अगर मैं कहूं कि x सेंटर ऑफ मास निकालो यहां से देख के, तो x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी पता है 0, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, 0 m1 की जगह 3m/4, x कोऑर्डिनेट माइनस x, m2 की जगह m/4 और कोऑर्डिनेट कितना r/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m/4 प्लस, फर्क नहीं पड़ रहा ये तो 0 से कट जाएगा। सॉल्व करना जरा, x कितना आ रहा है चेक करो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किया। ये आपकी, ये आपका जो कटा हुआ पोर्शन, ये बचा हुआ पोर्शन, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए और दोनों का सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसको ओरिजिन मान लिया। सॉल्व करो r/6 और यही इसका आंसर है r/6।